स्वागत है हमारे लूप टेक्नो सिस्टम चैनल पाने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, गोल्ड क्रूजर मेटल डिटेक्टर का अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था दोस्तों, तो मैं अब जो है अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको असेंबल करना है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस मशीन का, जो कि गोल्ड क्रूजर का, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों। तो अगर आपने उस वीडियो में नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जो है इस मशीन का वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको जो है असेंबल करना है मशीन को, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं दिखा देता हूँ दोबारा भी आपको जो है कि इसमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है। ये देखिए, इसमें दो प्लेटें होती हैं, जो कि एक 6 इंच की होती है और एक 11 इंच की प्लेट होती है। दो प्लेट के साथ आपको मिलेगा। और अगर आपको जो है इस मशीन में अगर बड़ी कॉइल चाहिए, जो कि 15 इंच की होती है दोस्तों, तो मेरे पास स्टॉक में है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है 15 इंच का प्लेट है, जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं एसेसरीज के साथ। ये दोस्तों अलग मिलता है, अगर आप अलग से लेते हैं कॉइल तो आपको मिल जाएगा। देखिए, ये दो स्टिक होता है, जो कि ये कैसे आपको लगाना है मशीन को मैं अभी बता देता हूँ। और ये यूजर मैनुअल है इसका, ये होस्ट मशीन है, पूरा मशीन ये होता है दोस्तों, फुल वाटरप्रूफ होता है, ठीक है दोस्तों। और ये इसमें देखिए, ये केबल वगैरह है, ये चार्जर है, ये देखिए, और ये डिगिंग करने के लिए है, अच्छा एसेसरीज दिया गया है, आप डिगिंग कर सकते हैं। और ये है दोस्तों, ये वायरलेस हेडफोन है। तो जैसे कि मैंने आपको एसेसरीज दोबारा भी दिखा दिया हूँ दोस्तों, तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे आपको असेंबलिंग करना है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे एक पिन लगा होता है दोस्तों, इसे आपको दबा करके रखना है और इसमें इंसर्ट करना है। यहाँ पर देखिए, अभी क्या है कि मैं अंदर डालता हूँ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉक लगा होता है, आपको इसे घुमाना होगा। इसमें एक लॉक होता है, आप उंगली डाल करके जो है आप उसे अंदर कर दीजिए घुमा करके। उसके बाद ये जो पिन बना होता है, ये इसे दबा करके आप अंदर इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैंने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी इसमें जो है कॉइलें हैं, सब में का वायर अलग अलग होता है। आपको वायर यहाँ से नहीं निकालना है, आपको ये गलती नहीं करना है। इसका वायर अलग है और इस कॉइल का वायर अलग है। तो अभी मैं आपको छोटी कॉइल का आपको दिखा देता हूँ। ये जो बोल्ट दिया गया है, ये देखिए, इसमें दो वार्सल होता है, आप दोनों वार्सल को आप यहाँ पर लगाया जाता है, मैं पहले से ही लगा रखा हूँ इसे। ये प्लास्टिक का नट होता है दोस्तों, तो आपको आराम से लगाना है, जबरदस्ती नहीं करना होता है, अदरवाइज टूट भी सकता है। उसके बाद सेम प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, सेम ऐसा आपको यहां पर भी करना है, ठीक है। इसमें देखिए, ये सुराख इसमें बने होते हैं, आप जहां चाहें आप अपने लंबाई के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप जहां चाहें आप वहां सेट कर सकते हैं, आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं अपने लंबाई के अकॉर्डिंग आप जो है, ठीक है। उसके बाद ये जो वायर है, आपको प्रॉपर इस डंडे में जो है आपको रैप करना होगा, लपेट देना होगा, ठीक है। अच्छे से आप लपेट दीजिए ताकि वायर जो है ढीला ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें एक पिन है, एक लाइन बनी होती है, सेम टू सेम जब इस पे जो है पिन पे मिल जाएगा तो आसानी से चला जाता है, इसमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है।
और उसके बाद जो है आप इसे इसमें चूड़ी बनी होती है आप टाइट कर दीजिए। ठीक है तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मतलब कि कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको जो है इसे असेंबलिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है अब इसे कैसे यूज करना है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कॉइल वगैरह अटैच करके दिखा दिया है, बढ़िया आप मतलब लाइट वेट भी है, आप आसानी से आप जो है यूज भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि जो है मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको असेंबल करना है इस मशीन को, गोल्ड क्रूजर को कैसे आपको असेंबल करना है, तो मैं अभी आपको देखिए ऑन करके मशीन दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऑन ऑफ का बटन होता है ये देखिए, ठीक है सारा ऑप्शन सब कुछ आपको इसमें दिखेगा कैसे क्या क्या चीज़ है, पूरा आप यूजर मैनुअल से आप रीड कर सकते हैं। मैं ऑन करके आपको मशीन दिखा देता हूँ, मशीन को मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है ये देखिए डिस्प्ले है, अगर आप नाइट में यूज कर रहे हैं तो डिस्प्ले जलता है। अभी क्या है कि यहाँ आसपास काफ़ी मतलब मेटल है तो मशीन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। यहाँ देखिए मोड भी है, जनरल है, फास्ट, बूस्ट, माइक्रो, अपने हिसाब से जो है आप इसे प्लस करके जो है बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन जो है माइनस प्लस करने से घटता है। ठीक है दोस्तों अभी यहाँ पे ऑप्शन का बटन है, ये देखिए मैं ऑप्शन के बटन से जाऊँगा, गेन को आप अपने अकॉर्डिंग जो है माइनस प्लस कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मोड है, आप आयरन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे अगर कोई मेटल है, जैसे हमारे पास ये मेटल है इसका देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेप्थ भी है, डेप्थ शो करता है, और प्लस मिनरल, जैसे अगर हम रॉक एरिया में कहीं पर भी यूज करते हैं जहाँ पर मिनरल ज़्यादा होता है, मिनरल की जो है ये रीडिंग ज़्यादा ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों तो आप इसमें मतलब कि काफ़ी अच्छा फंक्शन है, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ इसे। तो अगर दोस्तों प्रॉपर आपको इस मशीन को यूज करना सीखना है कैसे आपको यूज करना है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं आपको, ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया था ऑन करके मशीन कि कैसे काम करता है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू यूज दिस मशीन। ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों फिर लेकर के आते हैं इस मशीन का कि कैसे आपको यूज करना है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।